हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केग कौन हैं? उत्तर है गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं यानी केग हैं। इस पद पर उनकी नियुक्ति 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा की गई थी और वे भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग हैं। कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के। इससे पूर्व वे जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल यानी एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर नियुक्त थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल कौन थे? उत्तर है सर एडवर्ड ड्रम्ड। अंग्रेजी शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक कौन थे? सर एडवर्ड ड्रम्ड। दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल में 1753 में इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी जिसका प्रमुख महालेखा परीक्षक होता था। इस भारतीय लेखा एवं परीक्षा विभाग के प्रथम महालेखा परीक्षक सर एडवर्ड की नियुक्ति 1860 में की गई थी। इससे पहले यह विभाग भारत सरकार के अधीन एक संस्था के रूप में कार्यरत था, लेकिन एक स्वतंत्र संस्था के रूप में इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग कौन थे? उत्तर है वी नरहरि राव। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम लेखांकन तथा अंकेषण की क्रियाओं को अलग करने पर जोर दिया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, लेखांकन का मतलब है अकाउंट यानी लेखे, जबकि ऑडिट का मतलब होता है अंकेषण यानी परीक्षण करना या जांच करना, यानी कि लोक लेखे तैयार करने को लेखांकन कहा जाता है जबकि उनकी जांच करने को अंकेषण कहा जाता है, ऑडिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 148 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था संविधान में की गई है। दोस्तों, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को आमतौर पर सीएजी यानी केग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में महालेखा परीक्षक को पहली बार वैधानिक दर्जा किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा महालेखा परीक्षक को पहली बार वैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका उत्तर क्या आएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को महालेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता था। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया गया तथा इस पद को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर है ब्रिटिश संविधान से। दोस्तों, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का ये पद जो है ये ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है।
दोस्तों भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। यानी अगर अधिनियम पूछा जाता है तब तो 1935 के अधिनियम से हमारे संविधान में इसको अपनाया गया है, और अगर देश पूछा जाता है तो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। इसे 1935 के भारत शासन अधिनियम में उल्लेखित महालेखा परीक्षक के नमूने पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक धन का सजग प्रहरी और रखवाला यानी वॉच डॉग किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक धन का सजग प्रहरी और रखवाला यानी वॉच डॉग। दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक ऐसा महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली, चाहे वो संघ की वित्तीय प्रणाली हो और चाहे वो राज्य की वित्तीय प्रणाली हो, दोनों प्रणालियों पर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। इस नाते वह केंद्र व राज्य सरकारों के तथा उसके विभिन्न विभागों और उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के आय और व्यय की जांच करने के साथ साथ सार्वजनिक धन की बर्बादी पर नियंत्रण लगाने का कार्य करता है। दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार, घोटाले और अनियमितताओं को उजागर करने का कार्य करता है। जैसे बोफोर्स घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आदि अनेक घोटाले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा ही उजागर किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में ऐसा किसने कहा था कि वे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान में शायद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में देखते हैं? इसका उत्तर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। दोस्तों अम्बेडकर ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी इसलिए कहा है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को एक प्रहरी की भूमिका सौंपी है, वॉच डॉग, जो केंद्र तथा राज्य सरकारों के प्रत्येक वित्तीय व्यवहारों की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि करदाताओं के धन का सदुपयोग हो रहा है अथवा दुरुपयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा केग की नियुक्ति करता है। जो व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होता है उसे पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में उल्लेखित संविधान की रक्षा करने की शपथ अथवा प्रतिज्ञा ग्रहण करनी पड़ती है। तीसरी अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? जो संवैधानिक पोस्ट हैं, पद हैं, उन पदों पर बैठे हुए जो व्यक्ति पद ग्रहण करते समय शपथ लेते हैं उस शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है, तो उसी अनुसूची में उल्लेखित शपथ जो है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद ग्रहण करने से पूर्व लेनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, यानी दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाता है तभी उसको पद से हटना पड़ता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल और सेवा की शर्तों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पदावधि, यहाँ पर पदावली गलत लिखा गया है, पदावधि
पद की अवधि उसके पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, यानी दोनों में जो भी पहले हो तो होती है। मतलब यदि कोई 53 साल का व्यक्ति है और वो इस पद पर नियुक्त होता है तो वह 6 वर्ष का कार्यकाल पहले पूरा करेगा, इसलिए 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होते ही वो पद से हट जाएगा। लेकिन अगर कोई 62 वर्ष का व्यक्ति है तो वह 65 वर्ष का कार्यकाल पहले पूरा करेगा, इसलिए 65 वर्ष की आयु होते ही वो पद से हट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या है? राष्ट्रपति को। दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, लेकिन वह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कार्यकाल से पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका उत्तर है संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा। संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कार्यकाल से पूर्व पद से उसी आधार पर तथा उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस आधार पर और जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। और आधार क्या है? आधार है साबित कदाचार और असमर्थता। तो साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कार्यकाल से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उन कार्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करता है जिनका निर्धारण संसद द्वारा कानून बना करके किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल संसद की किस समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या आएगा? लोक लेखा समिति, यानी PAC। दोस्तों, लोक लेखा समिति का गठन 1919 के एक्ट के द्वारा 1921 में किया गया था। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दलों में से चुना जाता है। इस समिति की वर्तमान सदस्य संख्या 22 है, अच्छी तरह याद रखना, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। और इस समिति का प्रमुख कार्य क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति को सौंपे गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। अगला क्वेश्चन देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उत्तर देखिए संसद के प्रति। दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और वह उसी के माध्यम से सरकारी खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। वह इस तरह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर संसदीय चर्चा करती है और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित समावेदन पर ही उसे कार्यकाल से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन से संबंधित अनुच्छेद है। उत्तर क्या आएगा? अनुच्छेद 151। दोस्तों, अनुच्छेद 151 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षण की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के तहत प्रतिवेदन
प्रतिवर्ष नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार से संबंधित अपने लेखा प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष तथा राज्य सरकारों से संबंधित लेखा प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। दोस्तों, केंद्र सरकार से संबंधित प्रतिवेदन को राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री के माध्यम से संसद के समक्ष रखा जाता है, जबकि राज्य सरकारों से संबंधित लेखा प्रतिवेदनों को राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त मंत्री के माध्यम से राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। इसके बाद संसद की लोकलेखा समिति तथा राज्य विधानमंडल की लोकलेखा समिति द्वारा इन रिपोर्टों की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद द्वारा किस वर्ष पारित अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग किया गया था? उत्तर क्या आएगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संशोधन अधिनियम 1976। इसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा अंकेशन यानी ऑडिट को लेखांकन यानी अकाउंट से पृथक किस वर्ष किया गया था? उत्तर क्या आएगा? 1976 में। दोस्तों, भारत में प्रशासनिक सुधार से संबंधित अनेक आयोगों ने आज़ादी से पूर्व भी अंकेशन और लेखांकन को पृथक करने की सिफारिश की थी, जैसे मुंडीमेन समिति 1924, इंच केप समिति 1923, साइमन कमीशन 1929 आदि। स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नरहरि राव ने भी लेखांकन तथा अंकेशन यानी ऑडिट तथा अकाउंट कार्यों को एक ही संस्था में संयुक्त करने की प्रणाली की कटु आलोचना की थी। दोस्तों, 1976 से पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेखा तैयार करने तथा लेखा परीक्षण करने का कार्य करता था, लेकिन 1976 में संसद के द्वारा कानून बना करके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखा तैयार करने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। अब वह सिर्फ लेखा परीक्षण का कार्य करता है। दोस्तों, केग यानी CAG के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं मैं आपको, सुनना। पहली बात क्या है कि यह केंद्र और राज्य सरकारों के आय व्यय के लेखे तैयार नहीं करता है, बल्कि इनका परीक्षण यानी इनकी जांच करता है। दूसरी बात, इसे लोक धन की प्राप्ति और उसकी निकासी पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, अर्थात यह केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की संचित निधि और आकस्मिकता निधि पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है। तीसरी बात, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केवल इस बात की जांच करता है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचित निधि और आकस्मिकता निधि से जो धन निकाला गया है, क्या वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार निकाला गया है और जो धन खर्च किया गया है उसमें कोई अनियमितता या भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं। इस प्रकार भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पैसा खर्च होने के बाद खातों की जांच करता है, जबकि ब्रिटेन में उसकी मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई पैसा निकाला ही नहीं जा सकता। दूसरी बात, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद का सदस्य भी नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में वह हाउस ऑफ कॉमन्स, ये संसद का निम्न सदन है, इसका सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे अब आगे वाले, कॉलेज लेवल के, RS लेवल के, स्कूल लेक्चरर लेवल के। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, उसके वेतन एवं अन्य शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, सही है। वह राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेता है, बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख भी शपथ ले सकता है, यह भी सही है। उसको उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दोस्तों, जो ऑप्शन आपके उसमें द ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को केवल उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, न कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में सही नहीं है?
दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में जो ऑप्शन ब है ये सही नहीं है। केग को केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही हटाया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि केग को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। बाकी जो ऑप्शन है तीन ए, ये भी सही है कि केग को पूर्णतया स्वतंत्र स्थिति प्रदान की गई है। स, केग के वेतन और उपलब्धियां भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, और द, केग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्षों के लिए होता है। तो ए, स और द ये तीनों सही है, लेकिन ब जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन भी देखिए कितना शानदार है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को निम्न में से किन की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है, किन की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है संघ की आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा के सभी व्यय, बिल्कुल सही है। ब देखिए, राज्य की आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा से सभी व्यय, बिल्कुल सही है। स, भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन स्थापित सभी सरकारी कंपनियों के लिए लेखाएं, ये भी सही है। और द, उपयुक्त सभी की। तो इसमें आपका उत्तर क्या सही आएगा दोस्तों? द, कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को ये जो लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है ये तीनों प्रकार की सेवाओं पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों से संबंधित अधिनियम के उपबंध निम्न में से किन की लेखा परीक्षा तथा व्यय पर विवरण देने के विषय में है? यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों से संबंधित जो कानून बनाया गया है, उस कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उनमें किन की लेखा परीक्षा और व्यय का विवरण दिया गया है? तो देखिए, पहला है भारत की संचित निधि, दूसरा है प्रत्येक राज्य की संचित निधि, तीसरा है भारत की आकस्मिकता निधि, और चौथा है भारत का लोक लेखा। तो इसमें देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है इसमें सभी सही हैं, दूसरा है सिर्फ ए तथा ब सही है, तीसरा है ए, ब और स तीनों सही हैं, चौथा है ए, स, द ये तीनों सही हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सभी, पहला वाला यानी सभी, कि इसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो किनकी लेखा परीक्षा और व्यय का विवरण देने का कार्य करता है? भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि, और भारत की आकस्मिकता निधि, और भारत का लोक लेखा। इन सभी के ऊपर लेखा परीक्षा करने का तथा व्यय का विवरण देने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना शानदार है। केग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें चौथा जो ऑप्शन है द, ये सही नहीं है। इसमें क्या दिया गया है? संघ के लेखाओं और राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष पेश करना, दोस्तों ये गलत है। बाकी पहला ऑप्शन देखिए, संघ के लेखों संबंधी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही है। किसी राज्य के लेखों संबंधी प्रतिवेदन को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना, ये भी सही है। सह वाला देखिए, संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री के माध्यम से संसद के समक्ष पेश करना, ये भी सही है। लेकिन इसमें चौथा जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि संघ के लेखा और राज्य के लेखा जो होते हैं वो अलग अलग राष्ट्रपति को और राज्यों के राज्यपालों के समक्ष पेश किए जाते हैं, न कि सिर्फ राष्ट्रपति के समक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किसका सदस्य होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन देखिए, संसद का, मंत्रिमंडल का, मंत्रिपरिषद का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं, यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के दौरान CAG की रिपोर्ट में खिंचाई को आधार बनाकर केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की सरकार को बर्खास्त किया गया था? ऑप्शन देखिए, ए राजस्थान, ब तमिलनाडु, स गुजरात, और द पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से लोक प्रशासन के किस विशेषज्ञ द्वारा अपने प्रतिवेदन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की कटु आलोचना की गई है? ऑप्शन देखिए, ग्रेनविल ओमंड, AD गोरवाल, के संथानम, पाल एच एप्पलबी। दोस्तों इसका सही उत्तर है द, पाल एच एप्पलबी। दोस्तों
सितंबर 1952 में केंद्र सरकार द्वारा भारत में प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए अमेरिकी विशेषज्ञ पॉल एप्पलबी की नियुक्ति की थी। तो 1953 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में उन्होंने सीएजी की कटु आलोचना की और कहा कि सीएजी का कार्य बड़ी मात्रा में औपनिवेशिक शासन की विरासत मात्र है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि नई दिल्ली में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है वो इन्हीं की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था। दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से मैंने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में आपको थोड़ा डिटेल से समझाने का प्रयास किया है, आप इसको अच्छी तरह समझिए। देखिए नाम में ही दो नाम है, नियंत्रक अलग नाम है और महालेखा परीक्षक अलग नाम है। तो नियंत्रक के रूप में जो ये पदाधिकारी होता है वो दो कार्य करता है, क्या क्या करता है? पहला देखिए, केंद्र और राज्यों की संचित निधि पर नियंत्रण रखना, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जो संचित निधियां होती है उन निधियों में बिना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अनुमति के धन नहीं निकाला जा सकता। दूसरा कार्य क्या है? ये देखना कि इस निधि में से धन वैध तरीके से निकाला गया है तथा उसे वैध तरीके से ही खर्च किया गया है। मतलब संचित निधि से चाहे वो केंद्र की ओर चाहे राज्य की ओर, पहली बात तो उसकी अनुमति के बिना धन निकाला नहीं जा सकता। दूसरी बात, जो धन निकाला गया है वो अलग अलग विभागों के द्वारा क्या कानूनन रूप से सही प्रकार से निकाला गया है प्लस उसका सही प्रकार से इस्तेमाल किया गया है, कहीं पर कोई घपला या घोटाला तो जो है नहीं किया गया है, ये देखने का कार्य कौन करेगा? नियंत्रक। फिर दूसरा नाम लेते हैं महालेखा परीक्षक। तो महालेखा परीक्षक के रूप में देखिए उसके दो कार्य हैं। पहला कार्य अकाउंट यानी लेखांकन करना, इसका मतलब क्या होता है? लोक लेखे तैयार करना, मतलब पूरे देश में सरकारों के द्वारा चाहे केंद्र सरकार और चाहे राज्य सरकारें हों उनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो जितना खर्चा करते हैं उसकी पूरी ऑडिट रखना, खाता बही तैयार करना, ठीक है ना। दूसरा कार्य क्या है? ऑडिट यानी अंकेषण करना, इसका मतलब क्या है? लोक लेखों का परीक्षण करना, मतलब जो खाता बही खर्चे के तैयार किए गए थे, कितनी आय हुई, कितना खर्च हुआ, इसका जो खाता बही तैयार किया गया था उसकी ऑडिट करना, जांच करना कि उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं क्या वो सही हैं क्या, इस बात का पता लगाना। अब दोस्तों अपन भारत के बारे में बात करते हैं। देखो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो नियंत्रक वाले कार्यों के अंतर्गत सिर्फ दूसरे नंबर का कार्य करता है, अच्छी तरह समझना आप, दूसरे नंबर का कार्य करता है, पहले नंबर का कार्य नहीं करता है। मतलब केंद्र और राज्यों की जो संचित निधि होती है उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, मतलब उसमें से धन निकालने के लिए उसकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो दूसरे नंबर का जो कार्य है ये करता है। मतलब वो ये देखता है कि जो धन खर्च किया गया है अलग अलग विभागों के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा और उसके अलग अलग विभागों के द्वारा जो धन खर्च किया गया है क्या वो खर्च सही प्रकार से किया गया है कि नहीं किया गया है, कहीं पर कोई घोटाला या अनियमितता तो नहीं हुई है, ये वो जरूर देखता है। दूसरी बात, महालेखा परीक्षक के रूप में जो दो कार्य बताए गए हैं इसमें वो सिर्फ दूसरे नंबर का कार्य करता है, कौन सा? ऑडिट यानी अंकेषण करने का, मतलब वो जो लेखा तैयार किए गए हैं, अकाउंट्स तैयार किए गए हैं सरकारी आय और व्यय के, उसकी जांच करता है और ये देखता है कि इसमें जो दर्शाया गया आय है और दर्शाया गया व्यय है वो सही है या नहीं है, उसमें कोई अनियमितता या कोई घपला तो नहीं हुआ है। ये हमारे देश में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वर्तमान स्थिति है कि नियंत्रक के रूप में वो केवल सेकंड नंबर वाला कार्य करता है, तो इधर महालेखा परीक्षक के रूप में भी वह क्या करता है? सिर्फ सेकंड नंबर का कार्य करता है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लो। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।